लेसन में हम लोगों ने स्टेशनरी के हवाले से काफी चीजें जो है वो डिजाइन करनी सीखी हैं इस लेसन में भी हम जो चीज डिजाइन करने सीखने जा रहे हैं वो है डीवीडी कवर डीवीडी कवर जो है ये भी स्टेशनरी uh, का ही एक हिस्सा होता है और जब भी कोई कंपनी या कोई ब्रांड अपना कोई भी कॉन्टेंट डिविडी फॉर्म के अंदर uh, कहीं पे प्रजेंट करते हैं तो वो उसको डिविडी कवर के अंदर जो है वो इंक्लोज करके या उसके अंदर ढाल के जो है वो उसको प्रेजेंट करते हैं तो डीवीडी कवर के ऊपर भी हम ब्रांडिंग जो है वो डिज़ाइन करते हैं अपने क्लाइंट की अच्छा जी सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि डीवीडी कवर जो है वो स्क्वायर शेप की होती है और उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसका स्टैंडर्ड साइज जो आम तौर पे कंसिडर किया जाता है वो है 5.15 पॉइंट वन फाइव इंचज बाय फाइव पॉइंट तो चलें चलते हैं और पी के लिए डी डी कवर जो है वो डिज़ाइन करते हैं अच्छा जी यहाँ पे मैं अगेन आप लोगों को पता है कुछ चीज़ें मैंने जो है वो बना के रखी हुई है मैं यहाँ पे साइज अपना लगाने लगा हूँ कवर का 5.15 पॉइंट वन फाइव बाई फाइव पॉइंट वन फाइव और एक आर्ट बोर्ड मैं यहाँ पे वक्त ले रहा हूँ ठीक है ये देखें ये स्क्वेयर शेप जो है ये आ गई है जी हमारी डीवीडी कवर के साइज़ की मैं रोलर जो है वो कंट्रोल आर की मदद मतलब से जो है उसको लेके आता हूँ अच्छा जी अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी लेआउट पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम उसके फ्रंट बैक वग़ैरह बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करें और हम पहले से भी उसकी जो पूरी लेआउट है उसके फ्लैप्स हैं फ्रंट बैक है वो बना के फिर हम अपनी ले आउट पे भी काम कर सकते हैं तो दोनों तरीके ठीक हैं मैं ये चीज़ें जो है वो ले आता हूँ अपनी जो मैंने यहाँ पर डीवी डी कवर के लिए जो है रखनी है इसको मैं लोगों को थोड़ा छोटा कर दूंगा क्योंकि आपको पता है कि डीवीडी कवर का साइज़ जो है वो इतना बड़ा नहीं होता तो आपको लोगों को जो है वो एक मुनासिब साइज़ में रखना है कि वो इजीली विजिबल भी हो पढ़ा भी जाए और उसके साथ आपको जो है वो ब्रांडिंग जो है वो भी आपकी प्रॉपरली आ जाए अच्छा इसके बाद मैं लाइन सेगमेंट टूल पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ और इसका स्ट्रोक जैसे कि मैंने पहले भी ये किया था ताकि अगर डीवीडी का टाइटल वगैरह ऐड करना मकसूद हो तो वो जो है आराम से यहाँ पे किया जा सके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूँ ठीक है जी और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ इसको मैं पॉइंट सेवन फाइव पर ले आ रहा हूँ अच्छा जी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो अपना लोगो रखा हुआ है इसके साथ मैं यहाँ पे रूलर लगा लेता हूँ ताकि मैं बाकी जो चीज़ें जब लेके कर आऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए अब जनाब अली मैं जब ये वाली इंफॉर्मेशन ले कर आऊँगा कॉन्टेक्ट वाली तो ये मुझे पता है मेरे पास ऑलरेडी गाइडलाइन यहाँ पर अवेलेबल है और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा अच्छा ये भी जहन में रखें कि आप जो पॉइंट साइज पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं डीवीडी कवर डीवीडी एक छोटी चीज़ है डीवीडी कवर एक छोटा स्मॉल साइज का मीडियम है इसके लिए आप सिक्स का जो पॉइंट साइज़ है वो आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं तो वो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी अगर आप सिक्स तक भी आ जाते हैं तो अच्छा जी यहाँ पे मैंने logos भी रखने हैं मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ यहाँ पे भी मेरे पास मार्जिन है और इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ अगेन डमी टेक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रूलर मैं एक नीचे भी ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और मैं नीचे लेके आऊँगा अभी मेरे पास स्पेस जो है वो मौजूद है ये आप कीज की मदद से भी अपनी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं और आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे जैसे आप कंफर्टेबल फील करें उस तरह से आप अपनी अलाइनमेंट्स और अपनी स्पेसिंग जो है वो आप डिजाइन करें इसमें आपको बिल्कुल भी कोई जो है वो घबराने की बात नहीं है अच्छा हम बल्कि दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए अगर हमें बराबर करना हो तो हम उसके लिए एक तरीका यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलू क्या हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे ये जो मैंने साइज़ ये जो साइड मैंने रखी है इसको मैं कोई रेक्टेंगल ले, ले लेता हूँ इसको मैं ऑल्ट की मदद से ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से यहाँ पे लेके आता हूँ अब ये देखें ये मेरी जो दोनों साइडें हैं इन पे जो स्पेसिंग है ये बिल्कुल एक जैसी आएगी तो ये एक आसान सा तरीका है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो साइड्स की स्पेसिंग हम छोड़ते हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा रूलर को अंदर की तरफ लेके आता हूँ इस तरह से और अब जो है मैं लोगोस को जो है वो थोड़ा राइट साइड पे लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरा जो टेक्स्ट है उसके साथ प्रॉपरली अलाइंड हो लोगोज ऐसे आपके ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टैक्स के साइज़ के हैं आप उससे थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ये कोई मतलब वो नहीं है लेकिन बेहतर है कि आप अलाइंड रखें और तकरीबन एक जितना उनको रखें तो वो डेफ़िनेटली ये ख़ास यूनिटी जो है वो आपके डिज़ाइन के अंदर आ जाएगी अच्छा जी अब ये मैंने बैलेंसड लेआउट एक बना ली है ठीक है अच्छा इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाले जो स्ट्रिप्स हैं ये अपनी ले आता हूँ यहाँ पे और इनको मैं प्लेस कर देता हूँ जी लेफ्ट साइड पे अब आप देख सकते हैं कि ये स्पेस अभी यहाँ पे मौजूद है ठीक है और अगर आप थोड़ा सा ये वाला जो एरिया ये जो स्पेस है इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप अपनी जो पूरी लेआउट है इसको थोड़ा सा राइट पे लेके जा सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस बराबर है तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छा अब हम क्या करते हैं कि सेम इसी साइज का एक स्क्वेयर लेंगे डिवीडी कवर के अंदर क्योंकि ये स्क्वेयर शेप है यहाँ पर अब हम स्क्वेयर के अंदर काम कर रहे हैं इसको हम वाइट जो है ये दे देते हैं अब अगेन मैं क्या कर रहा हूँ जी मैं फ्रंट और बैक बना रहा हूँ अरेंज में जाके मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ और इसको नीचे जो है वो ले जाता हूँ ठीक है जी अब हमारी फ्रंट और बैक जो है ये कंप्लीट है अब हमने जो है वो फ्लैप्स ऐड करने हैं तो वो अब हम यहाँ से सेम साइज़ की हाइट लेंगे और फाइव पॉइंट वन फाइव विथ जो है वो आपको पता है कि हमने पॉइंट फाइव की लेनी है और इसको जनाब हम यहाँ पे ये सेम प्रोसीजर है जो कि डेफिनेटली आपको इन तमाम स्टेशनरी के आइटम्स के साथ रिपीट करना पड़ेगा लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये प्रोसीजर बहुत इम्पॉर्टेंट है अदरवाइज आपकी जो स्टेशनरी है उसकी एक्चुअल जो प्रिंटिंग है उसके अंदर मसला आ सकता है और आपकी जो एक्चुअल जो डिज़ाइन है वो हर्ट हो सकता है तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है ये जो प्रोसेस है ये आपने लाजमी प्रॉपर कंप्लीट डिजाइन बना के क्लाइंट को दें ताकि उसको पता चले कि आपको डिजाइन के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अच्छा जी इसकी हाइट हम दे देंगे 1.3 पॉइंट थ्री हम उतनी ही रखेंगे 5.15 ये देखें ठीक है जी और अगेन हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे इसको भी हम फोल्ड कर देंगे अच्छा यहाँ पे अब एक और काम जो हमने करना है डीवीडी के अंदर जो कि थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट है वो मैं आपको बताता कि यहाँ पे आपको पता है कि जब हम डीवीडी को डीवीडी uh, कवर के अंदर ढाल के डीवीडी कवर बंद करते हैं तो वहां पे एक फ्रंट uh, साइड पे एक छोटा सा सुराख होता है जिसके अंदर आप इस फ्लैप को ढाल देते हैं ठीक है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी रेक्टेंगल ये मैं अंदाजे से ले लेता हूँ व्हाइट कलर की ये मैं और ऐड करता हूँ और इसको मैं अलाइन कर लेता हूं, अपने इस के साथ अब ये बेसिकली हमारी वो एक्स्ट्रा एरिया आ गया जो कि बेसिकली हमारे जो हम फ्रंट के ऊपर जो सुराख के अंदर जब हम इसको बंद करते हैं तो उस सुराख के अंदर ये हमारा जो ये वाला जो रेक्टेंगल हमने ऐड किया ये वाला एरिया उसके अंदर चला जाएगा और इसको आप तकरीबन हाफ इंच तक भी आप रख सकते हैं ये अंदाजन भी मैं इस वक्त इसको रख रहा हूँ ये इतना कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ये छोटा सा ही होता है अच्छा मैं क्या कर रहा करूँ यहाँ पे रिपीट किया मैंने ये जो ऊपर वाला फ्लैप था इसको मैं नीचे लेके आया हूँ किस लिए रिपीट किया ये मैं अभी आपको बताता हूँ रूलर की मदद से यहाँ पे ये मैंने जो है वो एक गाइडलाइन ले ली अब मुझे पता है कि मेरा ये जो फ्लैप जब टर्न होगा जब मेरी जो डीवीडी कवर है ये बंद होगा तो ये जो ऊपर वाला फ्लैप है ये तकरीबन यहाँ तक आएगा सो मैं इसको रिपीट करूँगा यहाँ पे और इसका मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक क्योंकि ये एक्चुअली वो जो सुराख बनेगा वो बेसिकली वो जो हमारा वो जो एक प्लेस बनेगी जिसके अंदर हमने अपने डीवीडी कवर का वो जो एक छोटा सागे थे उसका एक लगा होता है फ्लैप लगा होता है अगेन एक अलग से फ्लैप बना होता है उस फ्लैप को हमने सुराख के अंदर डालना होता है ठीक है जी अब ये हमारा जो डीवीडी कवर का डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गया है तो इसमें एक ये चीज़ नहीं थी कि ये आप एक एक्स्ट्रा फ्लैप छोटा सा इसमें ऐड करते हैं ताकि डीवीडी कवर जो है उसके बंद होने के लिए एक अंदाज़ा मिल जाए और आ, आपको पता चल जाए कि इसने कहाँ पे जाके बंद होना है, तो ये फ्रंट और बैक दोनों पे हम एक रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं ताकि जब प्रिंटिंग हो डीवीडी कवर की तो उस वक्त जो है उसमें साइज में गड़बड़ ना हो और फ्लैप जो है वो आगे पीछे ना हो तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डीवीडी कवर भी जो है वो कितनी आसानी से डिजाइन कर लिया आने वाले लेसन में हम लेआउट के हवाले से बात करेंगे और फिर आहिस्ता आिस्ता बढ़ेंगे लेआउट के हवाले से कुछ और ग्राफिक डिजाइन की चीजों की तरफ